महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में अब एकनाथ शिंदे गुट ने एनसीपी के चीफ शरद पवार पर सीधा हमला बोला है। एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने कहा कि आज से पहले जब भी शिवसेना का बंटवारा हुआ उसमें शरद पवार का ही हाथ था। उन्होंने नारायण राणे और राज ठाकरे की बगावत का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों ही नेताओं के पीछे शरद पवार का हाथ था। उन्होंने कहा कि आज शरद पवार की ओर से बाला साहेब ठाकरे के सम्मान की बात की जा रही है, उन्हें महाराष्ट्र की जनता को जवाब देना चाहिए कि बाला साहेब ठाकरे को जिंदा रहते हुए उन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया। उन्होंने एक मराठी चैनल से बातचीत में शरद पवार की ओर से शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कहने पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने अक्सर शिवसेना के विभाजन के बारे में निजी तौर पर बात की थी। पवार ने नारायण राणे को शिवसेना से बाहर निकालने में मदद की थी। छगन भुजबल को खुद शरद पवार ने शिवसेना से बाहर किया था। इसके अलावा राज ठाकरे को भी उनका समर्थन हासिल था। महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का बड़ा कद है और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से उन पर सीधा हमला होने पर तीखा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि अब तक एनसीपी की ओर से केसरकर के आरोप का कोई जवाब नहीं दिया गया है। केसरकर ने बाला साहब ठाकरे को याद करते हुए कहा, मैंने मातोश्री को शरद पवार के दरवाजे पर जाते कभी नहीं देखा। बाला साहब कभी भी कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुए। बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि अगर मैं अपनी पार्टी का आखिरी व्यक्ति हूं तो भी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। एकनाथ शिंदे समर्थक नेता ने कहा कि इसलिए शिव सैनिक कभी भी शरद पवार के साथ नहीं रहेंगे। बता दें कि एनसीपी के राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शरद पवार ने कहा था कि भले ही शिवसेना के विधायक पार्टी छोड़ चुके हों लेकिन शिव सैनिक अभी भी हैं, इसलिए अगले चुनाव में एक या दो अपवादों को छोड़कर इन 40 विधायकों में से कोई भी निर्वाचित नहीं होगा। गौरतलब है कि 2019 में महाविकास अघाड़ी सरकार के गठबंधन में भी शरद पवार की ही अहम भूमिका मानी जाती है। उन्होंने ही कांग्रेस और शिवसेना को एक मंच पर लाने की सफल कोशिश की थी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सबसे पहले ट्वीट किया था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राउत ने बाला साहेब के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था, वही गुरु और वही गुरूर। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ट्वीट आया और दोनों के बीच कलह सामने आ गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम शिंदे ने बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे की तस्वीरों को पोस्ट किया। उन्होंने मराठी में लिखा, बाला साहब के विचारों से कोई धोखा नहीं है, ये बुझने वाली अंगार नहीं है, हिंदुत्व के सिवाय कोई और विचार नहीं। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जा रहा है कि शिंदे का ये ट्वीट उद्धव ठाकरे पर निशाना है। दरअसल उद्धव पर लगातार हिंदुत्व से भटकने के आरोप लगते रहे हैं। शिंदे के ट्वीट के बाद राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा, कुछ लोग शिवसेना छोड़कर जाते हैं और कहते हैं बाला साहब हमारे गुरु हैं, अगर बाला साहब जिंदा होते तो अपने ही अंदाज में ऐसे लोगों को जवाब देते। उन्होंने कहा, बाला साहब हम सभी के गुरु थे, उन सभी के गुरु थे जो शिवसेना महाराष्ट्र और देश के प्रति वफादार हैं। शिंदे पर तंज कसते हुए राउत ने कहा, बाला साहब के साथ निष्ठा रखना ही असली गुरु दक्षिणा है। हालांकि इस तरीके के तनातनी के बीच महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जाएगी ये भी देखने लायक बात होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।